अरे ये सब क्या हो रहा है? ये कैलाश भाई कब से ज्योतिषी बन गए? अरे अरे ये मैं क्या देख रहा हूँ? अरे भाई तुम जो देख रहे हो मैं भी तो वही देख रहा हूँ। कैलाश भाई तो ज्योतिषी बन गए हैं लगता है। अरे 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 सुनो, तुम लोगों ने अंदर क्या देखा? हमने जो अंदर देखा तुम्हें विश्वास नहीं होगा, दिन में तारे देख लिए। नहीं भाई, हमने देखा कि हरिचरण खेल दिखा रहा है जिसमें हाथी इधर उधर कूद रहा है। ये तुम क्या कह रहे हो? ये सब हाई थॉट है, तुम्हें समझ नहीं आएगा, अंदर जाओ समझ आ जाएगा। शाम में जब खेत पर जाकर देखा तो मेरी गाय वहाँ से गायब थी। उसे दया करके ढूंढ दीजिए, उसे ढूंढ दीजिए। पता है बात क्या है? तुम पर काले छेद का प्रभाव हो गया है। क्या? काले छेद का? सच में? अरे काला छेद मतलब ब्लैक होल होता है दोस्त। तुम पर शनि और ब्लैक होल दोनों का प्रभाव है। मुझे मंत्र जाप करके तुम्हारी गाय को ढूंढना पड़ेगा। आबा से बटर शम बटर हुड़ बुड़ भट बटर शोशी बीबी बीबी बटर बटर देन हटर बटर बटर बिटर बटर बिटर बटर 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 बिटर 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 हो गया। अब चिंता की कोई बात नहीं, अब मेरे मंत्र की ताकत देखते जाओ, तुम्हारी गाय वापस आ जाएगी। सिर्फ तुम्हें पहचानना पड़ेगा कि तुम्हारी गाय कौन सी है। काले छेद से वो किस रूप में बाहर आएगी ये तो ऊपर वाला भी नहीं जानता। जाओ अब जाओ, तुम घर जाकर अपने दरवाजे पर उसका इंतजार करो। वो मच्छर मक्खी बिल्ली बनकर किसी भी रूप में आ सकती है। ये क्या? बाबा 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 बाबा, आपका मंत्र बहुत ही शक्तिशाली है, मेरी गाय अपने ही रूप में वापस लौट आई है। सुनो, तुम्हें तो तुम्हारी गाय मिल गई, अब से हर दिन 5 शेर दूध तुम मुझे दे कर जाना, ठीक है? समझे? गाय ढूंढने के बदले 5 शेर दूध हर दिन, वरना वो फिर से गायब हो जाएगी। क्या? मेरे दोनों पेड़ से सारा आम चोरी हो गया। बाकी के दोनों पेड़ के आम को लेकर मैं बहुत ही चिंतित हूँ। आप चोर को पकड़िए। परेशान मत हो, मैं अभी देखता हूँ। वो चोर भागकर आखिर गया कहाँ होगा? वो चोर किसी दूसरे राज्य में जाकर छुप गया है, लेकिन वो फिर से आएगा, याद रखना, तुम्हारे बाकी के दोनों पेड़ के आम चुराने के लिए। क्या? आप क्या कह रहे हैं? तुम्हारे ये आम के पेड़ किसी आम की गुठली से तैयार हुए हैं, पता है? दिल्ली के दीवाने आम की गुठली चोरी करके उन्हें रोपने के बाद ये पेड़ तैयार हुए थे। वो चोर दिल्ली का एक जिन है, वो अपनी चोरी का सामान वापस लेने जरूर आएगा। अच्छा, तो क्या उपाय है अब? नम 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 नम। मेरी गणना बता रही है कि तुम दोनों पेड़ के आम तोड़ लो और भूल कर भी उन्हें अपने घर में बिल्कुल मत रखना। पेड़ पर आम ना मिलने पर वो जिन सीधे तुम्हारे घर ही आएगा, फिर वो आम तो लेकर रहेगा। सत्यानाश, तो अब सारे आम तोड़कर मुझे दे दो, आम ही नहीं रहेंगे तो वो जिन कहाँ से आएगा, और अगर वो आ भी गया तो मेरे पास आने की हिम्मत नहीं करेगा। क्या? सुनिए जी, आप तो सभी का भविष्य बताते रहते हैं, लेकिन आपने मुझे कभी मेरा भविष्य नहीं बताया। अरे मैं तुम्हें क्या भविष्य बताऊं भाग्यवान, जिसका पति मेरे जैसा हो उसका भविष्य तो 7वें आसमान पर ही होगा ना। तुम्हें भविष्य जानने की क्या जरूरत पड़ गई? रहने भी दीजिए, खुद की बड़ाई करने की जरूरत नहीं है। सुनिए जी, मुझे छूकर बताइए कि कहीं आप लोगों को बेवकूफ तो नहीं बना रहे हैं ना? बोलिए। क्या तुमने ये बोल कैसे दिया भाग्यवान? मैं लोगों की भलाई कर रहा हूँ,
तुम्हें तो पता ही है ना, काशी के साधु बाबा ने मुझे ये आशीर्वाद दिया था। तुम इतनी जल्दी भूल गई भाग्यवान। हाँ वो तो याद है, उन्होंने कहा था अपना जीवन दूसरों की भलाई करने में समर्पित करो। मैं वही तो कर रहा हूँ भाग्यवान, मैं लोगों का भविष्य सुधार रहा हूँ और क्या। सुनिए सुनिए, कल रात चोर ने आकर मेरे सारे कटहल की चोरी कर ली है, अब क्या होगा। बुम 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 गुम 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 गुम, पता लगा तुम अपने सारे पेड़ मेरे नाम दान करवा दो, वरना पूरी जिंदगी तुम्हारे सर पर कटहल तोड़ कर खाएंगे लोग। ये क्या बोल रहे हैं, और कोई उपाय नहीं है। और कोई तो उपाय होगा। नहीं भाई, और कोई उपाय नहीं है मेरे पास। हाँ सभी ध्यान से सुनो, मैंने इस पेड़ की पहरेदारी की जिम्मेदारी उस दिल्ली वाले जिन को दी है। भूल कर भी कोई इस पेड़ पर बुरी नजर मत डालना, समझ गए, वरना। अरे 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 अरे, तुम तो मटन खा रहे हो। क्यों बाबा, क्या हो गया। अरे तुम लोगों पर बहुत बड़ा संकट आने वाला है, इसी वजह से यहाँ आया हूँ मैं। क्या, ये आप क्या कह रहे हैं। कैसा संकट बाबा। तुम लोगों के लिए एक महीने तक मांस मछली खाना जहर के समान है, इसलिए साग सब्जी खाओ। तो अब इस मटन का मैं क्या करूँ बाबा। किसी महान व्यक्ति के घर दे आओ और अगले एक महीने तक ऐसा ही करना, समझ गए ना। अच्छा अच्छा भाभी जी, क्या कैलाश बाबा को सच में सिद्धि प्राप्त हुई है। हम तो बहुत डरे हुए रहते हैं कि पता नहीं कब क्या हो जाए, वो जिस चीज की भी मांग करते हैं देना पड़ता है। अच्छा भाभी जी, क्या वो सच में भविष्य दे सकते हैं, बताइए जरा। इस मामले की जांच आप लोगों को ही करनी चाहिए थी, देखिएगा एक दिन सच खुद ही बाहर आ जाएगा। माँ माँ, अपनी संतान पर कृपा दृष्टि बनाए रखना माँ। क्या मैं अंदर आ सकती हूँ कैलाश शास्त्री जी। हाँ हाँ आइए ना, बिल्कुल आइए आइए। बोलिए आपकी क्या परेशानी है। मेरी परेशानी जरा गोपनीय है। गोपनीय परेशानी। हाँ मेरे जो पति है ना, वो संतान को जन्म देने वाले हैं। मैं उस बच्चे की और अपने पति की किस्मत के बारे में जानने आई हूँ यहाँ। अच्छा अच्छा मतलब कि अरे रे ये तो बहुत ही खुशी की बात है ना, लेकिन आप खुश दिखाई नहीं दे रही हैं। बात क्या है, बोलिए बताइए ना, मैं आपकी मदद करूँगा। आप खुश तो है ना। मैं खुश हूँ, बहुत बहुत खुश हूँ। मेरे पति पहली बार पिता बनने जा रहे हैं, और हाँ मेरे पति ना बिल्कुल स्वस्थ है। अरे वाह, ये तो बड़ी अच्छी बात है, एक आदमी एक बच्चे को जन्म देने जा रहा है। ये बात थोड़ी अजीब सी है पर अच्छा है। अब जरा गणना करके मेरे पति और मेरे बच्चे का भविष्य बताइए ना। बूम बूम डूम 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 बूम बूम बूम। हाँ हाँ, मेरी गणना बता रही है कि आपके पति की संतान अद्भुत किस्मत लेकर पैदा होने वाली है, और आपके पति की किस्मत तो ऊपर वाले ने हीरे की कलम से लिखी है। वाह वाह वाह। लेकिन मेरी गणना तो कुछ और ही बता रही है। इस वक्त मेरे पति पर बहुत ही भयानक और बड़ी मुसीबत आने वाली है, एक झाड़ू मिसाइल की तरह उनकी तरफ आने वाली है, वो भी जल्दी। क्या ये आप क्या कह रही है। भाग्यवान तुम यहाँ, ये क्या झाड़ू लेकर मेरी तरफ आगे क्यों बढ़ रही हो तुम। हाँ भाग्यवान रुक जाओ। अरे रे रे तुम। हाँ जी मैं ही हूँ। अब मैं इसी झाड़ू से मार मार कर आपके सर से ज्योतिषी का सारा भूत भगा दूंगी। सुन लिया ना आपने, मैं आज ही आपके इस ज्योतिष का पाखंड बंद कर दूंगी। रुकिए रुकिए, मेरा पति बच्चे को जन्म दे रहा है। अरे बाप रे, कोई है, बचाओ मुझे। अरे कोई तो बचा लो। भाग्यवान रुक जाओ, ये तुम क्या कर रही हो। अरे नहीं अरे नहीं 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 नहीं, मैं ज्योतिषी का काम छोड़ रहा हूँ भाग्यवान, मुझे मत मारो। वादा कर रहे हो। हाँ हाँ पक्का वादा कर रहा हूँ तुमसे। ऐसा फिर कभी होगा। कभी भी नहीं होगा भाग्यवान। तो ठीक है।